हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल जेनी ट्यूटोरियल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी ऑफ कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल के बारे में हम जानेंगे उसका सिनोनिम क्या है बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है एंड यूजेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैस्टर ऑयल का सिनोनिम क्या है सिनोनिम ऑफ द कैस्टर ऑयल कैस्टरबीन ऑयल कैस्टर ऑयल सीड रिचिनस ऑयल और बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कैस्टर ऑयल का कैस्टर ऑयल इज़ द फ़िक्स्ड ऑयल ऑप्टेन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीड ऑफ रेचिनस कम्युनिस्लिन सो कैस्टर ऑयल एक फिक्स्ड ऑयल है और इसको रिजिनस कम्युनिस लिन से ऑप्टेन किया जाता है उसके सीड्स से ऑप्टेन किया जाता है बाय कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड के थ्रू इसको हम ऑप्टेन करते हैं फैमिली है इसके यू फोर बी ए एंड जोग्राफिकल सोर्स क्या है कैस्टर ऑयल का इट इज़ मेनली फाउंड इन इंडिया ब्राज़ील अमेरिका चाइना एंड थाईलैंड लेकिन जो इंडिया है इंडिया के अंदर इसको कहाँ कल्टिवेट किया जाता है इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन गुजरात आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका नाव डिस्क्रिप्शन की बात करें क्या क्या इसके साइज शेप एंड अपियरेंस है सो इट इज़ विसिड एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड oil एक तरह से ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और विसिड लिक्विड है कलर इसका pale yellow है और ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है तो ऑलमोस्ट ये कलरलेस लिक्विड होता है एंड ऑर्डर इसकी स्लाइट और करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर हैं टेस्ट की अगर बात करें तो कैस्टर ऑयल स्लाइट एक्रिड होता है और यूजुअली ये नोजिएटिंग होता है नोजिएटिंग मतलब आपको जो है उल्टी होने से पहले वाली जो कंडीशन होती है कुछ ऐसी कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं सो तो कुछ इस तरीके से इसका टेस्ट है स्लाइट एकड और नॉजिएटिंग सोल्यूबलिटी किस किस के अंदर ये सोल्यूबल होता है सोल्यूबल इन एल्कोहल मिसिबल इन क्लोरोफॉम सो ये क्लोरोफॉम में मिसिबल होता है ईथर ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर के अंदर ये मिसिबल होता है और एल्कोहल के अंदर भी ये सोल्यूबल होता है लेकिन इन सोल्यूबल इन मिनरल ऑयल सो ये मिनरल ऑयल के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है उसके अंदर ये इन सोल्यूबल होता है ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या क्या प्रजेंट होते हैं कैस्टर ऑयल के अंदर कैस्टर ऑयल कंटेंट ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिचिनॉलिक एसिड सो कैस्टरऑयल के अंदर रिचिनॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि 80% परसेंट होता है उसके अलावा आइसो रिचिनॉलिक स् एंड डाइहाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है रिचिनॉलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेग्जेटिव प्रॉपर्टी सो कैस्टर ऑयल के अंदर रिचिनॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि 80 परसेंट होता है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेग्जटिव प्रॉपर्टी के लिए तो इसीलिए लिए कैस्टर ऑयल को प्रग्रिटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है कैस्टर ऑयल ऑल्सो कंटेन्स विटामिन एफ़ इसके अंदर विटामिन एफ़ भी प्रेजेंट होता है नाइन्टी परसेंट ऑफ द फैटी एसिड कंटेंट इज़ रिचिनॉलिक एसिड सो फैटी एसिड का नाइन्टी परसेंट जो पार्ट होता है वो रिचिनॉलिक एसिड होता है यानी कैस्टर ऑयल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में रिचिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है द रिचिनॉलिक एसिड सो so यहाँ पे रिचिनोलिक एसिड कैस्टर ऑयल के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो रिचिनोलिक एसिड क्या है उसके अंदर क्या क्या कार्बन कौन सी पोजिशन पर डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है द रिचिनॉलिक एसिड इज एस एन एटीन कार्बन एसिड हैविंग अ डबल बॉन्ड इन द नाइन टेन पोजिशन एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द ट्वेल्थ पोजिशन ऑफ कार्बन सो रिचिनोलिक एसिड के अंदर 18 कार्बन होते हैं और नाइन टेन पोजिशन पर डबल बॉन्ड होता है और ट्वेल्थ पोजिशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और यही जो कॉम्बिनेशन होता है दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अन यही कॉम्बिनेशन जो है वो कैस्टेराइल के अंदर होता है ओनली इन कैस्टेराइल कैस्टेरऑयल ऑल्सो कंटेन्स हेप्टाल्डिहाइड अनडेकेनॉइक एसिड एंड सिबेसिक एसिड तो कैस्टर ऑयल के अंदर एंड अनडेके एसिड होता है और साथ ही साथ सिबेसिक एसिड भी होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है कैसे हम कैस्टर ऑयल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन लाइट पेट्रोलियम वेन मिक्सड विद कैस्टर ऑयल शोज क्लियर सोल्यूशन अगर हम पेट्रोलियम जो लाइट पेट्रोलियम है उसको कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो ये एकदम क्लियर सोल्यूशन आ, शो करता है लेकिन जब हम इसी पेट्रो लाइट पेट्रोलियम को कैस्टर ऑयल के साथ हायर अमाउंट में मिलाते हैं यानी लाइट पेट्रोलियम का अमाउंट अगर हम इंक्रीज़ करते जाए बढ़ाते जाए तो क्या होगा जो मिक्सचर होगा वो टर्बिड हो जाएगा और ये जो टेस्ट है ये ओनली कैस्टर ऑयल ही शो करता है बाकी दूसरे ऑयल शो नहीं करते हैं यानी जब हम लाइट पेट्रोलियम को कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो ये टर्बिड हो जाता है जब हम हायर अमाउंट में ऐड करेंगे तो ये टर्बिड हो जाएगा तो ये है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कैस्टर ऑयल अब हम बात करते हैं यूजेज़ की कहाँ कहाँ कैस्टर कहा, ऑयल यूज़ होता है क्या क्या एप्लीकेशन है यूज़ेज़ हैं सो so, कैस्टर ऑयल इज़ माइल्ड परगेटिव तो ये एक माइल्ड परगेटिव की तरह यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर रिचिनॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है और रिचिनॉलिक एसिड जो है वो लेग्जिटिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फंगस टिक अगर कहीं फंगस का उनकी ग्रोथ हो रही है तो उसकी ग्रोथ को भी ये इनिवेट करता है ऑयल यूज एज अइंटमेंट बेस एज अ प्लास्टिसाइजर वेटिंग एजेंट एज अ ल्यूब्रिकेंट एजेंट रिचिनोलिक एसिड इज़ यूज इन कंट्रासेप्टिव क्रीम्स एंड जेलीज़। सो रिचिनोलिक एसिड जो है वो हायर अमाउंट में होता है कैस्टेर के अंदर और ये कंट्रासेप्टिव क्रीम्स और जेलीज़ बनाने के लिए उनकी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इमोलियंट इन द प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक इन टूथ फार्मोलेशन एज एन इन्ग्रीडियंट इन हेयर ऑयल सो so, यहाँ पे इमोलियंट का मतलब क्या है जैसे कोई सरफेस है तो उस सरफेस को चिकना करना तो कैस्टर ऑयल एज अ अमोलियंट यूज़ होता है किस किस की प्रिपरेशन में लिपस्टिक की प्रिपरेशन में टूथ फार्मोलेसन की प्रिपरेशन में और हेयर ऑयल की प्रिपरेशन में ये एज अ इमोलियंट यूज़ होता है द मेन यूज़ ऑफ कैस्टर ऑयल इज़ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ कोटिंग्स सो मेन यूज़ क्या है कैस्टर ऑयल का तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ कोटिंग है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ कोटिंग वहाँ पे इसका यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है ये ऑल्सो एम्प्लॉयड टू मेक फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इन द टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज एंड फॉर मैनुफैक्चरिंग प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर कॉस्मेटिक के अंदर टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्रीज मैनुफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक एंड फ़ाइबर्स यहाँ पे कैस्ट्रॉइल यूज़ होता है सो so फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने बात की कैस्टर ऑयल के बारे में उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो